वेलकम बैक टू स्टोरी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसकी स्टोरी सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे मार्केटिंग कंपनीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं, क्योंकि इस मूवी में ये रिवील किया गया है कि कैसे एक चलाक आदमी या मार्केटिंग कंपनीज हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं। शायद इसीलिए IMDB की तरफ से इस मूवी को इतनी कम रेटिंग दी गई है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप इस अंडररेटेड मूवी को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनसीन और यूनिक मूवीज़ एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। अगर आपको माइंड ट्रिक्स और साइकोलॉजी से जुड़ी मूवीज़ देखना पसंद है तो ये स्टोरी भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में आई एक क्राइम साइकोलॉजी मूवी जिसका नाम है फोकस। तो स्टोरी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं क्राइम से भरी इस साइकोलॉजिकल मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम निकी नाम के एक आदमी को देखते हैं। निकी जब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। ये लड़की अपना नाम जैस बताती है। जैस एक्चुअल में एक आदमी से बचने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में उसे अकेली समझकर जबरदस्ती उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। जैस निकी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम 5 मिनट के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? उसकी ये बात सुनकर जब निकी उसे अजीब तरीके से देख रहा था तब फिर से वो पूछने लगती है कि तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं? इस पर निकी जवाब देते हुए कहता है, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है। ऐसे ही कुछ देर तक बातें करने के बाद ये दोनों एक रूम में जाकर एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। तभी अचानक से एक धमाके के साथ रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी निकी को गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देने लगता है। यहाँ जैस डरते हुए कहती है कि ये मेरा पति है और पहले ही ये काफ़ी मर्डर्स कर चुका है। लेकिन निकी उस इंसान से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए क्योंकि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। निकी उससे बचने की बजाय उल्टा खुद को मारने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी सामने खड़ा इंसान निकी को शूट नहीं करता। कुछ ही सेकंड्स में ही जैस हैरान होते हुए कहती है कि ये हमारा प्लान समझ चुका है। एक्चुअल में निकी को बातों में फंसाना और रूम तक लेके आना ये सब कुछ जैस का ही प्लान था। वो ऐसे ही लोगों को डरा कर उनसे पैसे लूटा करती थी, लेकिन इस बार उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि निकी उन लोगों की चाल समझ चुका था। उसने कैंसर वाली बात भी झूठ कही थी। इसके बाद निकी बिना पैसे दिए ही यहाँ से निकल जाता है। निकी उनका प्लान इसीलिए समझ पाया क्योंकि वो भी एक ठग था, वो भी दूसरे लोगों को लूटने का काम करता था। अगले सीन में जब जैस होटल से निकलकर जा रही थी तब निकी भी उसके साथ साथ चलने लगता है और जैस को कॉफ़ी के लिए पूछने लगता है, क्योंकि जैस निकी से पहले ही काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अगले सीन में जैस उससे चोरी करने की ट्रिक्स के बारे में पूछने लगती है तो निकी उसे बताता है कि ये सारा गेम फोकस का है, इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और ये सब बताते हुए ही वो जैस के हाथ से घड़ी और उसका वॉलेट चुरा कर दिखाता है। ये सब देखकर जैस शॉक्ड रह जाती है। अगले दिन जैस की जिद की वजह से निकी उसे ये दिखाने के लिए भी मान जाता है कि वो लोग एक टीम में कैसे काम करते हैं। यहाँ जैस निकी की टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है। निकी एक बालकनी से उन सब पर नजर रख रहा था। निकी की टीम का एक मेंबर जैस को समझाता है कि किस तरह से हम लोग चोरी को अंजाम देने वाले हैं। आगे ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ जैस चोरी करने के मामले में तो निकी की टीम से भी काफी आगे निकल चुकी थी। ये देखकर निकी के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी काफी हैरान होते हैं। जैस एक्चुअल में इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना कि अभी निकी उसे समझ रहा था। आगे निकी जैस को वो जगह दिखाता है जहाँ से चोरी का सामान बेचा जाता है। यहाँ चोरी किया गया काफी महंगा सामान पड़ा था। जैस को यहीं पड़ा एक नेकलेस पसंद आ जाता है, लेकिन निकी उसे वापिस ये उसी जगह रखवा देता है। निकी जैस को समझाते हुए कहता है कि हम लोग उतने भी अमीर नहीं हुए कि आराम से अयाशी की जिंदगी जी सके, ये सब सिर्फ एक फैंटेसी है। इसके बाद निकी जैस को एक की कार्ड देते हुए कहता है कि अभी हमें साथ में काफी काम करना है। निकी ने जैस के लिए होटल में एक रूम का अरेंजमेंट करवा दिया था, लेकिन जैस की बातों से लग रहा था कि वो आज रात निकी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आगे निकी के कहने पर ही जैस एक कैब पकड़कर अपने होटल में पहुंच जाती है। अभी भी जैस निकी के बारे में ही सोच रही थी तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है।
जब जैज दरवाजा खोलती है तो सामने निकी खड़ा था। निकी को देखते ही जैज उसे किस करना शुरू करती है और कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन हम जैज को फरहाद के साथ रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। फरहाद निकी का ही एक फ्रेंड है और फरहाद की बातों से हमें समझ आता है कि वो निकी के साथ पिछले 9 सालों से काम कर रहा था। ऐसे ही बातें करते हुए अचानक से फरहाद को दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सब भी एक्चुअल में निकी की टीम का प्लान था। जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का फोकस फरहाद की तरफ जाता है, जैस और उसके टीम मेंबर्स यहाँ मौजूद लोगों का कीमती सामान चुराने लगते हैं। कुछ ही देर बाद निकी एक एम्बुलेंस में आकर फरहाद और जैस को यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम निकी और उसके फ्रेंड्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। निकी सबको कॉन्ग्रेट्स करते हुए कहता है कि अब की बार हमने $1.2 million का टारगेट अचीव किया है। इसके बाद निकी का एक पार्टनर उसे सारे पैसे देते हुए कहता है कि इसे संभालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है और गैम्बलिंग से दूर रहना। अगले दिन निकी और जैस एक रग्बी मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। यहीं इनके सामने जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर जाने लगती है, तब जैस निकी से बैट लगाते हुए कहती है कि इस लड़की को कम से कम 8 आदमी मुड़कर जरूर देखेंगे। निकी कहता है मेरे ख्याल से सिर्फ 3 लोग ही इसे देखेंगे। तभी इनके पीछे बैठा लियोन नाम का एक आदमी बोलता है 5। उस लड़की को 7 लोग मुड़कर देखते हैं, इसलिए जैस का अंदाजा ज्यादा सही होने की वजह से जैस ये बैट जीत जाती है। इसके बाद लियोन के कहने पर निकी ग्राउंड में खेलने वाले प्लेयर्स पर बैट लगाना शुरू करता है। निकी 2 बार उस इंसान से हार चुका था। इसके बाद निकी 10,000 की बैट लगाता है। निकी कहता है कि अब जो भी नेक्स्ट प्लेयर बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे कैच छूट जाएगी, लेकिन लियोन का कहना था कि वो बॉल को पकड़ लेगा। कुछ ही सेकंड्स में जब एक प्लेयर दूसरे को पास देता है तो सामने वाला प्लेयर उस बॉल को पकड़ लेता है और निकी ये बैट भी हार जाता है। अब तक निकी $15,000 से भी ज्यादा हार चुका था। जैस निकी को समझाते हुए कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। निकी काफी गुस्से में लग रहा था। अब की बार निकी गुस्से में अपने बचे हुए $1.1 million को टेबल पर रखते हुए कहता है कि अब हम कार्ड्स की गेम खेलेंगे। जैस अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकी उसे इग्नोर करते हुए लियोन के साथ बैट लगाने की बात करने लगता है। क्योंकि लियोन काफी अमीर आदमी था, इसीलिए वो भी ये बैट लगाने के लिए मान जाता है। देखते ही देखते निकी टेबल पर रखे हुए $1.1 million भी हार चुका था, क्योंकि इस पैसे में से कुछ हिस्सा निकी के पार्टनर्स का भी था, इसलिए जैस को काफी टेंशन होने लगती है और निकी बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगता है। तभी लियोन फिर से उसे टोंट मारते हुए कहता है, अगर तुम किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो यही अंजाम होगा। फिर से निकी गुस्से में लियोन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब मैं डबल अमाउंट की बैट खेलना चाहता हूँ। हालांकि निकी के पास अभी एक भी पैसा नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो बैट लगाने की जिद कर रहा था। निकी कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं गेस करूंगा कि तुमने किस प्लेयर को चुना है। लियोन इसके लिए साफ मना कर देता है। इस पर निकी कहता है, ठीक है, जैस उस प्लेयर को गेस करेगी। निकी का पागलपन देखकर लियोन भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन अभी तक जैस की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। वो फिर से निकी को रोकने की कोशिश करती है। अब तक लियोन ने एक प्लेयर का नाम लिख लिया था। इसके बाद निकी गुस्से में जैस से कहता है कि तुम बस एक प्लेयर को सिलेक्ट करो। कुछ देर तक देखने पर जैस को कुछ भी समझ नहीं आता है। ये देखते हुए लियोन फिर से निकी को ये बैट वापस लेने का ऑफर देता है, लेकिन निकी इसके लिए साफ मना कर देता है। कुछ ही देर बाद हम जैस को शॉक्ड होता हुआ देखते हैं, क्योंकि ग्राउंड में उसे फरहाद खेलता हुआ दिखाई देता है। जैस बिना हिचकिचाए बोलती है, नंबर 55। ये सुनने के बाद लियोन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि तुम ये बैट जीत गए। लियोन को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि निकी $2.2 million जीत चुका था। इसके बाद निकी और जैस पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। टैक्सी में बैठते ही जैस निकी को पीटने लगती है, क्योंकि अभी तक उसकी प्लानिंग के बारे में जैस को भी नहीं पता था। कुछ देर पहले तक वो भी यही समझ रही थी कि निकी के गुस्से के कारण हम अपना सारा पैसा गंवा चुके हैं।
निकी उसे समझाते हुए कहता है कि लियोन एक बहुत बड़ा जुआरी है, शायद ही कोई ऐसा जुआ होगा जो उसने ना खेला हो। जैस हैरान होते हुए पूछती है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता लगा कि वो 55 नंबर को ही सिलेक्ट करेगा? इस पर निकी कहता है कि मैं काफी पहले से ही उसे ये बता रहा था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं काफी दिन पहले से ही निकी के आदमी लियोन को फॉलो कर रहे थे। उन लोगों ने लियोन के सबकॉन्शियस माइंड में 55 नंबर बिठा दिया था। जहाँ भी वो जाता उसे किसी ना किसी शेप में नंबर 55 ही दिखाया जा रहा था। आज जब लियोन अपने होटल रूम से चला तो उसे ट्रैफिक जैम में फरहाद भी दिखाई दिया। इसके अलावा उसके चारों तरफ नंबर 55 ही दिखाया जा रहा था। यहाँ तक कि जिस लड़की के साथ कुछ देर पहले उसने इंजॉय किया था उसकी कमर पर भी नंबर 55 लिखा था। यही नहीं, जो सॉन्ग आज बैटिंग रूम में प्ले किया जा रहा था उसमें भी 55 नंबर काफी बार आता है। बार बार वो नंबर दिखने के कारण लियोन के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे वो नंबर चुनने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही काफी सारी कंपनीज बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाकर सालों से हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। जो कुछ भी हम जाने अनजाने सबसे ज्यादा बार बार देखते हैं या सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को चुनने का फैसला करता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। निकी की बातें सुनकर जब जैस उसे किस करने की कोशिश करती है तब निकी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। ये कहकर निकी जैस को उसका कुछ हिस्सा देकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि जैस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन निकी बिना ज्यादा बात किए ही यहाँ से निकल जाता है। निकी के जाने के बाद हम जैस को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो निकी को चाहने लगी थी और निकी के इस तरह से अचानक से चले जाने की वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सीन यहीं कट होता है और हमें 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। अब हम निकी को एक और रईस जादे को लूटने का प्लान बनाते हुए देखते हैं। इसका नाम है गैरिगा, क्योंकि गैरिगा स्पोर्ट्स कार का शौकीन है, इसीलिए उसे कार मेंटेनेंस के लिए एक अच्छा इंजीनियर चाहिए था। निकी अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर बताकर गैरिगा से इंट्रोड्यूस करवाता है। निकी के निकलने के बाद गैरिगा का बॉडीगार्ड उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसी शाम हम निकी को एक पार्टी में देखते हैं। एक्चुअल में गैरिगा ने ही उसे इस पार्टी में बुलाया था। यहाँ निकी को जैस भी दिखाई देती है और जब जैस गैरिगा को किस करती है तब निकी को समझ आता है कि जैस गैरिगा की गर्लफ्रेंड है। ये देखकर निकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहां से बाहर निकलने के बाद जैस निकी को बताती है कि गैरिगा मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी उसके साथ मेरे बारे में बात मत करना। निकी अब तक काफी शराब पी चुका था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि जैस उसकी आंखों के सामने किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही है। नशे की हालात में निकी गैरिगा के फेस पर जोर से पंच मारता है, जिसके बाद निकी को पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि निकी नशे में था इसलिए गैरिगा उसकी इस हरकत के लिए उसे काम से नहीं निकालता। अगले दिन जब गैरिगा का मैनेजर निकी को काम के बारे में समझा रहा था तो स्विमिंग पूल के पास वो जैस को आते हुए देखता है। यहाँ फिर से जैस और गैरिगा एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं, इसीलिए निकी का ध्यान बार बार जैस की तरफ जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद निकी जैस के पास जाकर उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसे कम कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी हैं जो तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं। लेकिन जैस उसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती है। आगे हम निकी और जैस को किसी और जगह बातें करते हुए देखते हैं। जैस उससे 3 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। जैस पूछती है कि तुम अचानक से मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। निकी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी बातों से जैस को कन्विंस नहीं कर पाता। इसके बाद निकी अपने पुराने दोस्त फरहाद की मदद से जैस को कन्विंस करने का प्लान करता है, क्योंकि फरहाद जैस का भी काफी अच्छा दोस्त बन चुका था। निकी फरहाद को वही नेकलेस लेकर भेजता है जो जैस ने कभी चोरी के सामान में पसंद किया था, और फरहाद के कहने पर जैस फिर से निकी से मिलने के लिए मान जाती है। आगे निकी की बातों से जैस को समझ आता है कि वो जैस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन जैस ये कहकर वहां से निकल जाती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। अगले सीन में जब निकी अपना सैड फेस लेकर होटल में वापस आता है तो जैस पहले से ही उसके रूम के बाहर बैठी थी। हमें समझ आता है कि जैस अभी भी निकी को चाहती है, इसलिए वो चाहकर भी अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाई।
कुछ ही सेकंड्स में ये दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रूम के अंदर एंटर करते हैं। अगली सुबह अचानक से गारिका का बॉडीगार्ड निकी से मिलने के लिए आ जाता है। जब बॉडीगार्ड को निकी के रूम में किसी और के होने का एहसास होता है तो वो निकी के रूम की तलाशी लेने लगता है, लेकिन काफी तलाशी लेने के बाद भी उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअल में जैस बॉडीगार्ड से छिपने के लिए दूसरी बालकनी में छिप गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके रिलेशनशिप के बारे में गारिका को कुछ पता चले। अगले सीन में गारिका का एक आदमी निकी को उसके काम के लिए पैसों से भरा एक बैग देता है। इसी दौरान हम निकी को एक लैपटॉप में से कुछ ट्रांसफर करते हुए देखते हैं। एक्चुअल में निकी ने गारिका के कुछ सीक्रेट डिजाइन चुरा लिए थे। डिजाइन्स चुराने के बाद निकी उन डिजाइन्स को गारिका के क्लाइंट्स को ही कम पैसों में बेच देता है। उसी रात निकी उन पैसों को लेकर जैस के साथ यहाँ से फरार होने की सोचता है। जब निकी जैस को एक कार में लेकर यहाँ से निकल रहा था, तभी गारिका का एक आदमी रास्ते में ही निकी की कार को ठोक देता है। अगले सीन में हम निकी और जैस को कुर्सियों पर बंधा हुआ देखते हैं। एक्चुअल में गारिका को पहले से ही आइडिया था कि निकी उसे लूटने के लिए यहाँ आया है, इसीलिए गारिका ने अपने कुछ आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन गारिका को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद उसने मेरा पासवर्ड कैसे पता लगा लिया। जब यही क्वेश्चन वो निकी से पूछता है तो निकी बताने लगता है कि जब से मैंने तुम्हें जैस के साथ देखा था, तभी से मैंने जैस के करीब आना शुरू कर दिया था। जो नेकलेस मैंने जैस को दिया था, मैंने उसमें एक माइक्रोचिप फिट की थी, और जैसे ही जैस तुम्हारे बेडरूम में गई, वैसे ही उस चिप के कॉन्टेक्ट में आते ही तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मेरे पास आ गया और मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता लग गया। लेकिन जैस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मैंने इसे बेवकूफ बनाया। ये सब सुनने के बाद गारिका और उसका बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। जब गारिका जैस के मुंह पर लगी टेप उतारता है, तब जैस बताती है कि मैं कभी गारिका के बेडरूम में गई ही नहीं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। यहाँ हमें समझ आता है कि जैस भी गारिका को लूटने के इरादे से यहाँ आई थी। पार्टी वाली रात जैस ने पहले से ही निकी को देख लिया था और उसने जानबूझकर गारिका के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जैसे वो लोग रिलेशनशिप में हों। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ जैस ये कहते हुए निकी से झगड़ने लगती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, तुम कभी सच नहीं बोलते, इसी वजह से अब हम दोनों मरने वाले हैं। इसके बाद निकी जब फिर से अपनी एक कहानी बताने लगता है, तब गारिका का बॉडीगार्ड अचानक से उसके सीने पर गोली चला देता है। वो कहता है कि अब हम इसके और झूठ नहीं सुन सकते। इसके बाद वो बॉडीगार्ड जैस को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर गारिका उसे रोकते हुए कहता है कि मैं पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता। गारिका बॉडीगार्ड को ये कहकर वहां से निकल जाता है। अब तुम ही इस मामले को संभालोगे। अब तक निकी की सांसें रुक चुकी थी। गारिका के निकलने के बाद वो बॉडीगार्ड अपनी एक किट की मदद से फिर से निकी को होश में लाते हुए कहता है कि मैंने इसके दिल पर गोली नहीं चलाई, जल्द ही ये होश में आ जाएगा। यहाँ जैस को समझ आता है कि ये बॉडीगार्ड और कोई नहीं बल्कि निकी का पिता है। निकी को होश में लाने के बाद वो जैस की मदद से पैसों से भरे बैग्स और निकी को लेकर एक कार में हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ जैस को समझ आता है कि गारिका को लूटने की प्लानिंग निकी ने 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी। 3 सालों से निकी का पिता गारिका के लिए बॉडीगार्ड का काम कर रहा था, ताकि वो गारिका का भरोसा जीत सके। अपने पिता की मदद से ही निकी ने गारिका के लैपटॉप का पासवर्ड हासिल किया था। निकी के कहने पर ही उसके पिता को उस पर गोली चलानी पड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि गारिका उन दोनों को ही जान से मार डालता। मूवी के एंड में हम जैस और निकी को हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।